हेलो फ्रेंड्स, मैं भावेनी। वेलकम टू एग्री कुकिंग हाउस। आज की हमारी रेसिपी है एग रवैया। दिवाली के दिनों में हम मीठा मीठा खाके और कुछ ऐसा नया खाने का मन होता है, तो हम आज नई रेसिपी बनाने वाले हैं। ये आप घर पे बना के एक बार जरूर ट्राई करना। एकदम इजीली अवेलेबल और इजीली बनने वाली रेसिपी है। आप ये जो इंग्रीडियंट्स इसमें ऐड करने वाली हूँ मैं अभी इसमें, वो सभी घर पे अवेलेबल होता है, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये बहुत स्पाइसी एंड डिलीशियस ऑसम रेसिपी है। आप घर पे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और मेहमानों को, आए हुए मेहमानों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये पैन को गरम कर लिया है, तो फिर बाद में इसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच जितना ऑयल ऐड कर लेती हूँ। ऑयल अभी हमारा ये गरम हो गया है, तो अभी इसमें मैं मीडियम साइज का 2 चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर लेती हूँ। ये हमारी प्याज जल्दी पक जाए इसके लिए मैं टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर लेती हूँ। अभी ये प्याज को मैं लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तब तक उसको पका लूँगी। अभी ये प्याज गोल्डन ब्राउन कलर हो गई है, तो इसमें मैं अभी एक मीडियम साइज का टमाटर चॉप करके रखा है वो ऐड कर लेती हूँ। इसमें आप टमाटर और ऑनियन की ग्रेवी भी बनाकर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इधर चॉप किया हुआ ये दोनों आइटम यूज़ की है, इससे हमारा इसका टेस्ट भी और बढ़ जाएगा। अभी हमारा ये टोमेटो भी रोस्ट होने लग गया है, तो अभी इसमें मैं 1 चम्मच जितना जिंजर गार्लिक एंड हरी हल्दी आती है वो ऐड करके उसकी पेस्ट बना ली है, वो मैं 1 चम्मच जितना ऐड कर लेती हूँ। फिर बाद में इसमें मैं 1 चम्मच जितना ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर लेती हूँ, 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच जितना चिकन ग्रेवी मसाला ऐड कर रही हूँ। अभी ये सब इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। इसको पकाने से हमारा ये मसाला कच्चा नहीं लगेगा और इसका पका हुआ अच्छा टेस्ट आएगा। ये सब मसाला अभी अच्छी तरह से पक गया है, तो इसमें मैं 1 ग्लास जितना पानी ऐड कर लेती हूँ। और अभी इसको हम 2-3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकने देंगे। हम इसकी ग्रेवी ठीक रखेंगे, बहुत पतली नहीं बनाएंगे। अब ये पानी उबलने शुरू हो गया है, तो ये मैं 5 बॉइल्ड एग लिया है, उसको मैंने बीच में से कट करके उसके 2 पार्ट बना लिया है। तभी इसको मैं ये ग्रेवी के अंदर ऐड कर लेती हूँ। ये मैंने इसमें सब एग ऐड कर लिया है, तभी इसको हम इसको थोड़ा ऐसा टर्न कर लेंगे, ऐसा फ्लैप करने से उसका पूरा अंदर एग में हमारी ये मसाला भी अच्छी तरह से अंदर तक चला जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और इसको हम 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे और पकाएंगे, जब तक हमारी ये ठीक ग्रेवी ना हो जाए। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा कितना अच्छा ठीक ग्रेवी वाली ये सब्जी बनके रेडी हुई है। अभी उसके ऊपर मैं धनिया से गार्निश कर लेती हूँ।
देखो फ्रेंड्स, हमारी कितनी अच्छी सब्जी बन के रेडी हुई है। आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप घर पे बना के जरूर ट्राई करना और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।